हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट, इसके अंदर इस वीडियो के अंदर जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 है क्लास 6 का, उसका हमने जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था, आज हम इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, यदि नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। सो, इसके अंदर हमें क्या बताना है स्टूडेंट, इसके अंदर हमें जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है वो बताना है। सो 6 से हमारा डिविजिबल कब होगा, मैंने बताया था कि जो नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो और हमारा 3 से भी डिवाइड हो। अब आपको बेसिकली 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप 6 का इजीली कर पाएंगे। मैं बता देती हूँ, 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये था कि जो हमारा यूनिट प्लेस है उस पे, यूनिट प्लेस पे हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें क्या होते हैं कि जो हमारे जितने भी डिजिट दिए हुए होते हैं उनका सम कर लेते हैं। यदि वो सम हमारा 3 की टेबल में है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो वो नंबर हमारा किस में होगा, वो 6 से, वो 3 से डिवाइड होगा। और जो 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड होंगे वो नंबर हमारा पूरा 6 से भी डिविजिबल होगा। सो लेट मी सी योर क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले इसमें डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 2 का, सिंपल है ये बिल्कुल। इवन नंबर है हमारा यूनिट प्लेस पे, सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस हमारा क्या है, 4 है और इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारा ये 3 से भी है या नहीं है। जब हम 3 से करते हैं तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है तो उसको मैं क्या कहते हैं, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। ओके स्टूडेंट, सो इनका करते हैं हम टोटल, 4 + 4 = 8 और 1 = 9 9 और 7 = 16 और 2 = 18 और 18 और 9 कितना होता है, 27। सो स्टूडेंट ये इसका जो सम है वो हमारा कितना आ रहा है, 27, और ये 3 का मल्टीपल है। सो स्टूडेंट ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो ये जो हमारा नंबर है 2 9 7 4 1 4 4, ये किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 6। क्यों होगा 6 से, क्योंकि हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। जो नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, 6 से भी डिविजिबल होगा। सो स्टूडेंट ये था। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ऐसा ही हमें ये करना है। इसमें 2 का देखो तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमारा 8 है और ये हमारा क्या, इवन नंबर है, तो मीन्स 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यहाँ पे हो गया सक्सेस। अब हमें क्या करना है, 3 का देखने के लिए 1 + 2 + 5 + 8 करना है। अब ये 8 और 5 = 13 और 15 और 1 = 16, तो इसका जो सम हम जब करते हैं ये 16 आता है। 16 हमारे 3 की टेबल में कहीं पे भी नहीं आता। सो स्टूडेंट ये हमारा 2 से तो डिविजिबल है बट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो दोनों से होगा तो ही डिविजिबल होगा, तो 1 to 5 = 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 से भी ये नहीं होगा। फर्दर इसमें देखो ये 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है, 5 है, ये हमारा एक ऑड नंबर है। सो इट इज नॉट 5 एट यूनिट प्लेस पे देखते हैं तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हमें क्या देखना है, 2 से डिवाइड तो हमारा नहीं हो रहा, अब हमें 3 से देखने के लिए इसका करते हैं सम, 4 + 3 + 3 + 5 हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 10 और 15। ये 15 तो 3 की टेबल में आ रहा है लेकिन हमारा यूनिट प्लेस 2 इवन नंबर नहीं है। सो ये जो होल नंबर है ये हमारा पूरा, होल नंबर का मतलब कंप्लीट जो डिजिट हमें नंबर दिया हुआ है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, क्योंकि ये दोनों से नहीं है। सो नेक्स्ट देखो, इसके अंदर देखो यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है तो ये नहीं होगा, दोनों से ही नहीं होगा। इट इज नॉट, आप डायरेक्ट इसको देख कर लिख सकते हो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। आपको जो ऊपर मैंने रूल बताया वो देखना है क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है ही 3 तो ये होगा ही नहीं, फिर तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें है यूनिट प्लेस में हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इवन नंबर है 2, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 का देखने के लिए हम क्या करते हैं, 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2, तो क्या होता है, 10 13 15 17। सो ये
यूनिट प्लेस पे टू से तो डिविजिबल है लेकिन थ्री से नहीं है, तो 901352 इज नॉट डिविजिबल बाय सिक्स, सिक्स से डिवाइड ये नहीं होगा। ऐसे ही आप एफ पार्ट देखो स्टूडेंट, इसका एफ पार्ट के अंदर देखोगे स्टूडेंट तो आप क्या करोगे, इसके अंदर यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो है तो टू से डिवाइड तो होगा ही हमारा, सो ये हो जाएगा हमारा टू से डिवाइड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टू से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिविजिबिलिटी, ये यूनिट प्लेस पे जीरो है, ये डिविजिबल होगा हमारा टू से। अब थ्री का देखने के लिए हम क्या करते हैं, फोर प्लस थ्री प्लस एट प्लस सेवन, सब जो नंबर हमें जो दिया हुआ है उसका सम कर देते हैं, तो फोर और थ्री सेवन, सेवन 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 और एट फिफ्टीन, और फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन, और ये थ्री की टेबल में आता है, ये टू से भी डिविजिबल है और थ्री, टू से भी है और थ्री से भी है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय सिक्स। ओके स्टूडेंट, सो ये था हमारा एफ पार्ट। सो स्टूडेंट बेसिकली आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीजें देखनी है। हम एक पार्ट और ले लेते हैं इसका, जो हमारा जे पार्ट है लास्ट वाला, वो भी देख लेते हैं एक बार, 17852 है। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर हमारा क्या है स्टूडेंट, जो हमारा जे पार्ट है वो ये है, इसके अंदर देखो हम यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है, यूनिट प्लेस में हमारा टू है, तो ये डिविजिबल होगा हमारा किससे, डिविजिबल बाय टू। अब हमें थ्री से देखना है, तो थ्री से क्या करते हैं, हम सबका सम कर लेते हैं, सेवन और वन एट, एट और एट सिक्सटीन, सिक्सटीन और फाइव ट्वेंटी वन, और टू ट्वेंटी थ्री हो जाएगा। सो स्टूडेंट जब हम इसका सम करते हैं, वन प्लस सेवन प्लस एट प्लस फाइव प्लस टू, इसका जो सम आता है वो कितना आता है, ट्वेंटी थ्री, लेकिन ये हमारे थ्री के टेबल में कहीं पे भी नहीं आता, मीन्स ये थ्री का मल्टीपल नहीं है, ये टू का तो है बट थ्री का नहीं है, इसलिए इट इज नॉट, ये जो नंबर है ये सिक्स से भी डिवाइड नहीं होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाई सिक्स। ओके स्टूडेंट, सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर थ्री था ये हमने किया है, जो रिमेनिंग पार्ट्स भी रहते हैं आप ट्राई करना, आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आता है स्टूडेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं नई वीडियो में, और आपको डिविजिबिलिटी जो रूल है वो जरूर अच्छे से करना ही पड़ेगा। यदि आपने डिविजिबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, जब आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा सो फर्दर आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग।